सब्सक्राइब कीजिए टेक्नोरोहित यूट्यूब चैनल को और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा सैमसंग गैलेक्सी M51 स्मार्टफोन के बारे में। तो अगर आप लोग बहुत दिनों से सैमसंग गैलेक्सी M51 स्मार्टफोन के लिए वेट कर रहे हैं तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सैमसंग गैलेक्सी M51 स्मार्टफोन देखने में कैसा है और इस स्मार्टफोन में आप लोगों को क्या क्या स्पेस यहाँ पर मिलेगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा। सैमसंग गैलेक्सी M51 सैमसंग गैलेक्सी M सीरीज का 2020 का एक प्रीमियम स्मार्टफोन यहाँ पर होने वाला है और इस स्मार्टफोन के बारे में बहुत पहले से भी डिटेल्स यहाँ पर निकल के सामने आ रहा है। एक तो बात ये कन्फर्म हो चुका है कि जो सैमसंग गैलेक्सी M51 स्मार्टफोन आएगा यहाँ पर आप लोगों को क्वालकॉम का चिपसेट देखने को मिलेगा। इस फ़ोन का जो डिज़ाइन है वो आप लोगों को बैक साइड में क्वाड कैमरा का सेटअप मिलेगा जिसमें से जो प्राइमरी कैमरा होगा वो होगा 48 मेगापिक्सल का। तो ये यहाँ पर कंफर्म हो चुका है और इस स्मार्टफोन में आप लोगों को बैक साइड में ही फिंगरप्रिंट का सेंसर देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर आप लोगों को कॉर्नर में एक पंच होल डिस्प्ले मिलेगा और डिस्प्ले यहाँ पर आप लोगों को सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को सैमसंग इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का सेंसर देखने को नहीं देगा क्योंकि आप लोगों को पता है कि सैमसंग का ए सीरीज में अगर आप लोगों को इन डिस्प्ले का फिंगरप्रिंट का सेंसर मिलता है तो सैमसंग अपने एम सीरीज में फिजिकल देता है क्योंकि उनको कॉस्ट कटिंग करना रहता है और सैमसंग के ए सीरीज और सैमसंग के एम सीरीज में एक डिफरेंट यहाँ पर बनाना पड़ता है। तो 2019 में आप लोगों ने देखा था कि जब सैमसंग गैलेक्सी M30S आया था उसके बाद जब सैमसंग ने A50S को लॉन्च किया गया था तब दोनों फ़ोन का स्पेस ठीक था, दोनों फ़ोन में आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल रहा था, लेकिन सैमसंग के A50S में आप लोगों को इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का सेंसर मिला जबकि आपको M30S में फिजिकल मिला। तो ये एक डिफरेंट बनाता है दोनों ही सीरीज के बीच में। तो सैमसंग गैलेक्सी M51 में आपको मिलता है 6000 mAh की बैटरी और यहाँ पर ज़्यादातर चांसेस है कि ये स्मार्टफोन में आपको क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 720G का यहाँ पर आप लोगों को SoC देखने को मिलेगा। लॉन्च डेट की अगर हम लोग बात करें तो इस स्मार्टफोन का जो लॉन्च डेट है वो लगभग जुलाई के एंड में है। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, जुलाई के एंड में या फिर आप लोगों को अगस्त के स्टार्टिंग में देखने को मिलेगा। तो इतना जल्दी तो ये स्मार्टफोन यहाँ पर लॉन्च नहीं होने वाला है। तो अगर आप लोग सोच रहे हैं कि ये स्मार्टफोन जून के मंथ में आ जाएगा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपको एटलीस्ट जुलाई के एंड तक इस नए स्मार्टफोन के लिए वेट करना पड़ेगा। हाँ, जो सैमसंग गैलेक्सी M31S है ये आप लोगों को जून के मंथ में मिल जाएगा, लेकिन सैमसंग गैलेक्सी M51 जुलाई के मंथ में ही आप लोगों को मिलेगा। और अगर सैमसंग जुलाई के फर्स्ट वीक में भी सैमसंग का M51 स्मार्टफोन को लॉन्च करता है तो उसकी जो अवेलेबिलिटी है, उसकी जो बाय डेट है, वो आप लोगों को मे बी अगस्त तक देखने को मिलेगा। यानी कि अभी इस फ़ोन का जो प्रोडक्शन है वो स्टार्ट ही हुआ है और आप लोगों को ये स्मार्टफोन मार्केट में आने में और यहाँ पर 1.5 मंथ लग सकता है। तो जुलाई के एंड तक मेरे ख्याल से ये स्मार्टफोन लॉन्च हो जाएगा और प्राइसिंग वही आप लोगों को लगभग 17 या फिर 20 हज़ार के आसपास इस फ़ोन की प्राइसिंग रखेगा। सैमसंग का एम सीरीज है तो ए सीरीज से थोड़ा यहाँ पर आप लोगों को डिफरेंट मिलेगा ही मिलेगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। सैमसंग का M51 मैं जिस तरह से आप लोगों को इस वीडियो में दिखाया तो सेम बैक साइड से देखने में ऐसा ही यहाँ पर होने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, नए हो तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।